दोस्तों, हमारी घरों की छतों में जो क्रैक्स आते हैं उसके क्या कारण होते हैं कि जिसकी वजह से क्रैक्स आते हैं, आज हम इस वीडियो में जानेंगे वो क्रैक्स के रीजंस के बारे में। तो अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियो लेकर आता रहता हूँ ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं बता दूँ, क्यूरिंग जो है जिसको हम बहुत हल्के में लेके चलते हैं, क्यूरिंग मतलब तराई, जो भी आपका मतलब कि स्लैब की कास्टिंग होती है, तो जब भी आपकी स्लैब की कास्टिंग हो तो मिनिमम आपको 7 डेज जो है क्यूरिंग करनी है। क्योंकि क्यूरिंग को इस पॉइंट को मैं सबसे लास्ट लिखता तो लगता कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा, तो मैंने इस पॉइंट को जो है सबसे पहले पॉइंट नंबर पे लिखा है। क्योंकि क्यूरिंग इतनी इम्पोर्टेंट है, इतनी इम्पोर्टेंट है कि मान लीजिए आपने एक स्किल्ड मेसन की ने आपकी कास्टिंग की और आपने जो सीमेंट सरिया जो भी मेटल उसमें यूज़ होता है वो भी आपने बिल्कुल ब्रांडेड कंपनी का हाई क्वालिटी का सब कुछ आपने यूज़ किया, बट जितना आपने स्किल्ड मेसन के लिए मेहनत की है और अच्छे मेटल के लिए मेहनत की है, उतनी मेहनत अगर आप इसके लिए करोगे तो आपका सब 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 जो आपके लिए मेहनत की है तो वो सक्सेसफुल है, नहीं तो सब बेकार है। क्योंकि क्यूरिंग तराई ही ऐसा है कि जो आपकी स्लैब को स्ट्रेंथ देती है, और स्ट्रेंथ के लिए हम सारे सब कुछ काम कर रहे हैं कि हमारा घर मजबूत बने। तो हमारा घर मजबूत, स्लैब छत जो मजबूत तभी बनेगी जब आप उसको 7 डेज मिनिमम क्यूरिंग करोगे तरीके से, ठीक है। तो क्यूरिंग आपने बहुत ध्यान देना है, क्योंकि अगर क्यूरिंग नहीं करोगे तो उसमें क्रैक्स रेज स्टार्टिंग में ही आने लग जाते हैं। क्रैक्स तो वो इसलिए आते हैं क्योंकि जब सीमेंट ऐसा होता है उसमें हीट होती है, तो जब उसको प्रॉपर क्यूरिंग नहीं मिले तो क्रैक्स रेज होने लग जाते हैं। तो आपको मतलब कि तराई प्रॉपर करवानी है। दूसरा है इम्प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट की। इम्प्रॉपर क्या होता है, जो आपका मिक्सर मशीन होता है कई बार या हाथ से करते हैं, तो इम्प्रॉपर मतलब कि कंक्रीट का जो मिक्सिंग नहीं होती है जल्दबाजी में, रात में जब भी यूज़ करते हैं, तो वो क्या होता है उसकी वजह से भी क्या है, मसाला अच्छे से कंक्रीट जो है अच्छे से मतलब कि मिक्सिंग नहीं होती है, उसकी वजह से भी स्लैब में जो है छतों में क्रैक्स आते हैं। थर्ड पॉइंट है इम्प्रॉपर वे ऑफ कॉम्पैक्शन कंक्रीट। जो हमें जब भी हम कंक्रीट स्लैब मतलब कि स्लैब में कंक्रीट डालते हैं तो हमें वाइब्रेटर का यूज़ जरूर करना है ताकि जो हमारा जाल होता है सरिये का उसमें अच्छे से जो है कंक्रीट की सेटलमेंट हो जाए, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 की बैड क्वालिटी ऑफ सीमेंट। कई बार हम थोड़ा सस्ते चक्कर में, या सस्ते चक्कर में भी नहीं, हमें मतलब कि क्या होता है कि जो सीमेंट जो होती है उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो डेट होती है वो उसकी मतलब 3 महीने के बाद वो क्या है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है अगर वो 3 महीने से ज़्यादा पुरानी है तो आपको वो सीमेंट परचेज नहीं करनी है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और अगर आप मतलब कि ज़्यादा क्वांटिटी में सीमेंट लेके आ रहे हो, आपका प्रोजेक्ट बड़ा है, घर बड़ा है, तो आपको जहाँ भी आपको स्टोर करोगे तो वो थोड़ा आपको आपको अच्छे से तरीके से उसको स्टोर करना ताकि नमी वगैरह से वो सीमेंट बचे रहे, ठीक है। वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 5, हम क्या करते हैं स्लैब में, अगर हम ड्राइंग बनाई है और तो ड्राइंग बनाई है तो क्या है कि आर्किटेक्ट आपको स्लैब में सेंटर टू सेंटर जो सरिये का जो जाल होता है उसका कितना गैप रखना है वो आपको बता देता है, ठीक है। और अगर आपने किसी कॉन्ट्रैक्टर को विद मेटल सामान दिया है, मतलब कि विद मेटल आपने काम दिया है, तो हो सकता है कि वो जो गैप जो होता है वो ज़्यादा छोड़ दे, उस वजह से भी क्रैक्स रेज हो सकते हैं, और जो पानी वगैरह चूता है मतलब टपकता है छतों से, उसका भी एक मेन रीज़न ही होता है कि सरिया की जो क्वांटिटी है वो कम होती है, तो उसमें उस कंडीशन में कुछ नहीं हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आर्किटेक्ट ने ड्राइंग में आपको बताया कि इसकी जो स्पेसिंग है, गैप है, वो जितना उसमें लिखा हुआ है आपको वो मेजरमेंट टेप से चेक जरूर करना है, ठीक है। और पॉइंट नंबर 6, आपका जो फॉर्मवर्क होता है, जो शटरिंग होती है, हम समय से पहले ही खोल देते हैं, उसकी वजह से भी क्या है कि आपका स्लैब में क्रैक्स आ सकते हैं। और पॉइंट नंबर 7, आपका वाटर सीमेंट रेशो। वाटर सीमेंट रेशो भी एक बहुत मेन रीजन है स्लैब में क्रैक्स आने का,
तो ये जो 7 पॉइंट थे बहुत इम्पोर्टेंट थे, जिसकी वजह से ही ये क्रैक्स रेज होते हैं स्लैब में। तो अगर आप इसको, अगर आप कास्टिंग करा रहे हो, तो आपको इस चीज़ों का ध्यान रखना है कि कहीं पे भी कोई पॉइंट जो डिस्कस किया है, अगर वो चीज़ गलत है तो आप समय रहते रोक सकते हो और क्रैक को रोक सकते हो स्लैब में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।